तो यार सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन ये है कि मेरी इनकम कितनी है, मैंने कितना कमाया YouTube से। तो चलो मैं आपको बता देता हूँ। सो मैंने कमाया है टोटल 100। सो फाइनली आपने टाइटल एंड थंबनेल देख के पता लगा ही लिया होगा कि ये कौन सी वीडियो होने वाली है। ये कोई स्टडी ब्लॉग नहीं होने वाला है, ये वो वीडियो है जिसका आपको बेसब्री से बहुत ज्यादा इंतजार था। सो ये वीडियो बेसिकली Q&A वीडियो है जिसको मैं शूट कर रहा हूँ। एंड आज मैंने बताया था मेरी थोड़ी तबीयत सही नहीं थी, एंड आपको अभी भी आवाज़ से मेरी पता चल रहा होगा, मुझे थोड़ा कोल्ड हो गया था एंड उसी वजह से यूट्यूब एक्टिव नहीं हो पाया था, इसलिए वीडियो में भी डिले हुआ है। सो ये वीडियो Q&A वीडियो होने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट दिस बवंडर वीडियो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सर फर्स्ट क्वेश्चन जो कि मैं देख पा रहा हूँ ये है रॉयल चैंपियंस की तरफ से, एंड इन्होंने पूछा है कि आर यू कंसिस्टेंट एवरीडे। तो मैं बता दूँ कंसिस्टेंट तो मैं डेली नहीं रह पाता हूँ, बट हाँ मैं ट्राई करता हूँ कि मैं डिसिप्लिन रहूँ, यानी कि मैं डिसिप्लिन से अपने सारे टारगेट्स को कंप्लीट कर सकूँ। बाकी कंसिस्टेंट तो मैं कभी रहता हूँ एंड कभी नहीं रह पाता हूँ, बट मैं डिसिप्लिन फॉलो करता हूँ कि हाँ मेरे टारगेट सारे जल्दी जल्दी कंप्लीट हो सके। सेकंड क्वेश्चन है आशीष कुमार की तरफ से, एंड इन्होंने तो बवंडर मचा के रख दिया यार। इनका क्वेश्चन तो सुनो आप लोग, इन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि यूट्यूब सैलरी, जो कि मैं लास्ट में बताऊंगा यार, स्टार्टिंग में नहीं बताऊंगा, थोड़ा सस्पेंस भी तो होना चाहिए। एंड इन्होंने पूछा है कि क्या आप कहीं और से अर्न करते हो, क्या आप क्लास टॉपर हो, आपका घर कहाँ है, जमीन पे, आपको फोन कब मिला था। मेरे को फोन मिला था क्लास 6 में मिला था, जब कोरोना टाइम चला था, बट उसके बाद वो फोन मम्मी को मैंने दे दिया था, मैंने फोन नहीं लिया था। एंड मेरा पर्सनल फोन अब आया जब मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया था, एंड 7000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट होने के बाद मैंने खुद का फोन परचेज किया था। एंड लास्ट में इन्होंने क्वेश्चन पूछा है क्या बताता हूँ यार, इन्होंने पूछा है क्या आपने कभी अल्कोहल पिया है। भाई साहब हाँ, मैं तो डेली आता हूँ, यहीं पे पास में है अल्कोहल का, डेली मारता हूँ देसी वाला। भाई ऐसा कोई क्वेश्चन पूछता है तो भाई यूट्यूब सैलरी का मैंने बता दिया, लास्ट में बताऊंगा। आप कहीं और से अर्न करते हो, नहीं भाई यूट्यूब से ही, यूट्यूब के मीडियम है कि यूट्यूब ही एक मीडियम है जहाँ से मैं अर्न कर सकता हूँ, बट क्या मैं अर्न कर रहा हूँ वो भी मैं लास्ट में बताऊँगा। सो आपका घर कहाँ पे है, मैं सोनभद्र उत्तर प्रदेश में रहता हूँ, एंड अभी अल्कोहल पीता हूँ कि नहीं ये तो भाई पता चल ही गया होगा। इज फ्रॉम माई NCERT नॉलेज आर्यन, इन्होंने पूछा है कि हाउ मेनी आवर्स डू यू स्टडी, व्हाट्स योर प्री बोर्ड प्लान। सो मैं कितने घंटे पढ़ता हूँ एक दिन में, ये मैं बिल्कुल भी काउंट नहीं करता, मैंने बहुत बार बता रखा है कि मैं कितने देर तक पढ़ता हूँ एंड क्या पढ़ता हूँ, ये सब मैंने नहीं बता रखा आपको कभी भी। लेकिन हाँ मैंने ये जरूर बता रखा है कि मैं टारगेट्स बनाता हूँ एंड उन टारगेट्स को कंप्लीट करने का ट्राई करता हूँ। सो आवर्स काउंट करके आप भी मत पढ़ा करो यार बिल्कुल भी। एंड प्री बोर्ड्स का प्लान क्या है, पहले हाफ ईयरली का प्लान बना लो, प्री बोर्ड्स तो बहुत देर में आने वाले हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे TDSOP की तरफ से, एंड इन्होंने पूछा है क्या आप ऑफलाइन ट्यूशन लगाओगे। तो भाई इसका कोई चांस ही नहीं है, ऑफलाइन ट्यूशन में नहीं जाने वाला बिल्कुल भी, उड़ान है एंड उड़ान से ही पढ़ूंगा। एंड एक्सपेक्टेड 10th percentage, तो यार ये तो देखो भाई ये क्वेश्चन का आंसर मैं नहीं दे सकता, बिकॉज जो मैं अचीव करूंगा वही मैं बताऊंगा, बिकॉज अभी तो मैंने कुछ सोच रखा है कि मेरे को कितना परसेंट स्कोर करना है 10th में, वो तो यार मेरे हार्डवर्क एंड मेहनत पर डिपेंड करेगा। तो क्लास 10th का रिजल्ट आएगा तो मैं यूट्यूब पर ही रहूंगा एंड मैं आपको उस टाइम बता दूंगा। एंड इनका लास्ट क्वेश्चन है यू वॉन्ट टू बिकम, मैं क्या बनना चाहता हूँ बड़े होके। तो मैं बड़े होके ट्राई करूंगा UPSC का प्रिपरेशन करने के लिए, IAS UPSC का प्रिपरेशन करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सौरभ त्रिपाठी की तरफ से, एंड इन्होंने पूछा है कि आपने उड़ान बैच को ही क्यों चूज किया। तो चलो मैं बताता हूँ। सो उड़ान बैच मैंने इसलिए चूज किया बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे फीचर्स हमको देखने को मिलते हैं, एंड हर साल उड़ान बैच लॉन्च किया जाता है फिजिक्स वाला की तरफ से, तो बच्चों में एक होप बनी रहती है कि हाँ हम उड़ान बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। सो इस बार भी उड़ान 2025 लॉन्च किया गया है क्लास 10th के लिए। सो इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं। सो फिलहाल में ही अभी उड़ान 3.0 लॉन्च किया गया है, जिसे परचेस करने पे आपको इसके ओरियंट्स बैच जैसे उड़ान 2025 एंड उड़ान 2.0 का फ्री एक्सेस भी मिलेगा। एंड अभी इसकी प्राइस 1999 रुपीज है एंड ये क्लास 10th के लिए था। एंड दोस्तों क्लास 9th के लिए न्यू बैच लॉन्च किया गया था, न्यू 2025, बट अभी फिलहाल में ही न्यू 3.0 लॉन्च किया गया है। एंड अगर आप इसे परचेज करते हो तो आपको इसके ओरियंट्स बैच भी फ्री एक्सेस में मिल जाएंगे, जैसे न्यू 2025 एंड न्यू 2.0। सो दोस्तों ये भी आपको 1999 रुपीज में देखने को मिल जाएगा। एंड हाँ दोस्तों, अगर आप इसे परचेस करोगे एंड मेरा कूपन कोड AOS150 यूज करोगे तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी देखने को मिलने वाला है। सो डोंट फॉरगेट टू चेक इट आउट एंड ग्रैब योर अपॉर्चुनिटी नाउ।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इजाज अख्तर भाई की तरफ से, एंड इन्होंने पूछा है कि आपका एज कितना है। सो मेरा एज क्या है, मैं हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जरूर लगाता हूँ, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लगा दूंगा, आप वहां से पता कर लेना कि मेरी एज कितनी है। एंड मेरा नाम क्या है भाई, ये भी कोई क्वेश्चन है कि मेरा नाम क्या है भाई, आप अगर मेरा ब्लॉग्स देखते होगे तो आपको पता ही होगा, नहीं पता तो मेरा नाम अनुराग शुक्ला है। एंड हाउ टू स्कोर 95% उन्होंने पूछा है। सो 95% स्कोर करने के लिए हमें हार्डवर्क करना पड़ेगा, ऑनेस्टी के साथ अपनी पढ़ाई स्टार्ट करनी पड़ेगी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम मनीष ओनली स्टडी, एंड इन्होंने पूछा है कि डज योर क्लासमेट्स नो दैट यू हैव दिस चैनल इन ओल्ड स्कूल एंड इन न्यू स्कूल बोथ। ओल्ड स्कूल में एक फ्रेंड था मेरा शुभम नाम का, उसको ये बात पता है कि मैं ब्लॉगिंग करता हूँ, एंड शायद यार वहाँ पे ना सारे बच्चों को भी पता चल गया, क्योंकि वो लोग ने यूट्यूब पे कुछ सर्च करा था पढ़ाई लिखाई के लिए एंड वहाँ पे मेरा चैनल आ गया, तो इसके वजह से ना ये बात फैल गई कि मैं ब्लॉगर हूँ एंड वहाँ पे पता चल गया। एंड आप लोग का सपोर्ट ही इतना है कि हमारा चैनल टॉप 1 पे चल रहा है, सो किसी को भी आसानी से मिल सकता है। सो हाँ, ओल्ड स्कूल में पता था, न्यू स्कूल में किसी को नहीं पता है। सर नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत सारे लोगों द्वारा पूछा गया है कि आप नोट्स कैसे बनाते हो, तो बहुत सारे लोगों ने ये क्वेश्चन पूछा है, तो मैं बता दूं नोट्स कैसे बनाता हूं मैं देखो हरदम रिकॉर्डेड लेक्चर देखता हूं, मैं लाइव लेक्चर स्पॉटेड नहीं करता हूं, रिकॉर्डेड लेक्चर देखता हूं, तो मैं जब भी लेक्चर देखता रहता हूं, सर ने जो भी प्रेजेंटेशन स्लाइड्स में प्रिंट करा रखा होता है, जो भी प्रेजेंटेशन में रहता है हमारे वहाँ स्लाइड्स में, सो मैं वीडियो को पॉज करता हूं एंड उसको लिख लेता हूं, फिर उसको बाद फिर से उसको स्टार्ट करता हूं, तो मैं ऐसे नोट्स बनाता हूं एंड मैं रिकॉर्डेड लेक्चर्स का देखता हूं। एंड बहुत सारे लोगों ने ये भी क्वेश्चन पूछा है आपका एम क्या है, सो मेरा एम मैंने बता दिया, यूपीएससी का एम है। सो चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन इज फ्रॉम इट्स आशीष फैक्ट्स, एंड इन्होंने ये पूछा है कि आप यूट्यूब एंड स्टडी को कैसे मैनेज करते हैं, प्लीज पिक माय क्वेश्चन। तो यार मैं स्टडी एंड यूट्यूब को मैनेज इस तरह करता हूँ कि देखो हर एक पर्सन का एक हॉबी रहता है एंड वो उसमें टाइम जरूर देता है। सो मेरा हॉबी यूट्यूब पे वीडियोस बनाना है, सो मैं यार जब भी फ्री टाइम मिलता है पढ़ाई से पहले, मतलब पढ़ाई के बाद, जैसे आज संडे है तो मैं आज संडे को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, सो आज मुझे कुछ फ्री टाइम मिला है, सो मैं इस फ्री टाइम का यूज़ करके आप लोगों के लिए व्लॉग सॉरी Q&A शूट कर रहा हूँ, तो मैं ऐसे टाइम मैनेज करता हूँ यूट्यूब एंड स्टडीज। क्वेश्चन इज फ्रॉम आलोक प्रकाश, एंड इन्होंने पूछा है कि हाउ टू स्टडी हार्ड सब्जेक्ट्स। तो हार्ड सब्जेक्ट स्टडी करना बिल्कुल आसान है, आप पहले हार्ड सब्जेक्ट्स को मत पढ़ो, पहले आप उन सब्जेक्ट्स को पढ़ो जो आपको लगते हैं कि ये सिंपल है, सिंपल से हार्ड की तरफ चलो, ना कि हार्ड से सिंपल की तरफ चलो, बट अगर आपको हार्ड सब्जेक्ट पढ़ना है तो पहले आप उसका एक अच्छा सा लेक्चर ले लो किसी भी YouTube चैनल से जहाँ पे आपको अच्छा लगता है, लेक्चर लेने के बाद आप एक बार सेल्फ रीडिंग करो एंड उसके बाद आप उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, इससे आपका वो सब्जेक्ट क्लियर हो जाएगा। दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम VR111, इन्होंने पूछा है सिलेबस कब तक मैं कंप्लीट करोगे। तो सिलेबस देखो जब उड़ान बैच का खत्म होगा तभी मेरा खत्म होगा, मैं उड़ान बैच को फॉलो कर रहा हूँ, सो उसी के हिसाब से मेरा सिलेबस कंप्लीट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम अनुराग सिंह, एंड इन्होंने पूछा है कि हाउ टू मेक वीकली प्लान। सो वीकली प्लान कैसे बनाया है, तो मैं आपको बता दूँ, आप देख लो कि आप कौन से सब्जेक्ट्स में थोड़े वीक हो एंड उस सब्जेक्ट्स पे ज़्यादा फोकस करो एंड उसके हिसाब से भी वीकली प्लान बना लो। सर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे आर्यन गर्ग भाई की तरफ से, एंड इन्होंने पूछा है कि बैकलॉग्स कैसे कंप्लीट करें। सो बैकलॉग्स कंप्लीट करने का कोई ऐसा रामबाण तरीका नहीं है कि आज ही बस 10 लेक्चर कंप्लीट कर लो एक दिन में, ऐसा कुछ नहीं होता, धीरे धीरे आप 2 लेक्चर तो आपको डेली आते हैं एंड संडे के पास आपको टाइम रहता है, संडे को आपको एक भी लेक्चर्स नहीं देखना रहेगा, मतलब कि उड़ान बैच की छुट्टी रहती है उस टाइम पे, एक तरीके से मान सकते हो, तो आप संडे को 2 लेक्चर कंप्लीट करो, 2-3 लेक्चर, एंड उसके बाद दिन में 3 लेक्चर कंप्लीट करो, एक दिन में एक एक्स्ट्रा लेक्चर कंप्लीट करो, सो ऐसे आपके धीरे धीरे बैकलॉग्स कंप्लीट हो जाएंगे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपकी 9th में कितनी परसेंट आई थी। सो मेरी 9th में कितनी परसेंट आई थी ये मैंने एक वीडियो में बता रखा है, जो मेरी टॉप वायरल वीडियो है, मोस्ट व्यूड वीडियो, उस पर 108K 1,00,000 से ऊपर व्यूज आए हैं, सो आप उस वीडियो को देख लेना, आपको पता चल जाएगा कि मेरी 9th में कितनी परसेंट आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीता शर्मा की तरफ से, एंड इन्होंने पूछा है कि हाउ यू मैनेज एकेडमिक लाइफ एंड प्रोफेशनल लाइफ। सो एकेडमिक लाइफ देखो मेरा सिंपल फंडा है कि जो भी मैं काम कर रहा हूँ उसको पूरी अच्छाई से, मतलब पूरी अच्छे तरीके से करूँगा, अगर मैं पढ़ाई कर रहा हूँ तो पढ़ाई अच्छे से करूँगा, और अगर प्रोफेशनल लाइफ यानी कि पढ़ाई के अलावा कोई चीज़ कर रहा हूँ उसको भी अच्छे से करूँगा, तो जो भी करूँगा अच्छे से करूँगा। दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम द लाफ्टर, एंड इन्होंने पूछा है कि हाउ यू रिमेंबर हिस्ट्री। सो हिस्ट्री को रिमेंबर करने का एक ही रामबाण तरीका है कि रिविजन, तो मैं रिविजन करता हूँ बार बार एंड उसी वजह से मुझे हिस्ट्री अच्छे से समझ आ जाती है। एंड इन्होंने पूछा है कि क्या 4 घंटे एक दिन में पढ़ना इनफ है। सो हाँ बिल्कुल इनफ है, 4 घंटा अगर आप डेली पढ़े हो कंसिस्टेंसी के साथ तो आप जरूर सक्सेस मिलेगी आपको जरूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्यन शर्मा की तरफ से, एंड इन्होंने पूछा है कि स्कूल कितने दिन जाते हो। तो यार मैं रेगुलर स्कूल जाता हूँ, तो डेली स्कूल जाता हूँ, एंड वैसे भी मेरा बहुत ज़्यादा राइटिंग वर्क छूटा हुआ है स्कूल से, क्योंकि मेरा लेट एडमिशन हुआ था उसकी वजह से, सो मैं तो स्कूल डेली जाता हूँ यार।
क्वेश्चन इज फ्रॉम आर्यन साहू एंड उन्होंने पूछा है कि हाय अनुराग, आई एम न्यू टू दिस चैनल, माय क्वेश्चन इज दैट योर हिंदी कोर्स ए और कोर्स बी. तो मेरा कोर्स ए है हिंदी में. सो एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिषेक भैया की तरफ से एंड इन्होंने पूछा है कि मैंने अपने यूट्यूब की पहली सैलरी से क्या परचेज किया. सो यार यूट्यूब से तो मुझे कुछ नहीं मिला, मतलब कि आप समझ रहे हो ना, यूट्यूब से नहीं मिला, बट हाँ स्पॉन्सरशिप्स या फिर ये जो बोल सकते हो इन सभी चीज़ों से जो भी मुझे मिला उससे मैंने क्या परचेज किया है. सो मैंने परचेज किया है अपना फ़ोन जिससे मैं अब वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ, एडिट करता हूँ. मेरा पर्सनल फ़ोन जो कि वीवो का है, वीवो T3, एंड इसको मैंने 20,000 का परचेज किया था. एंड उसके बाद एक कैमरा स्टैंड, ट्राइपॉड, मतलब दो खरीद चुका हूँ. पहले एक खरीदा था जो कि बहुत सस्ता वाला था, उसके बाद एक खरीदा है वो, और यही कुछ छोटी मोटी चीज़ें परचेज की थी मैंने. सो नेक्स्ट क्वेश्चन है सत्यम ऑफिशियल की तरफ से एंड इन्होंने पूछा है भाई मैथ्स एंड साइंस के लिए NCERT इनफ है कि नहीं. सो मेरे हिसाब से तो NCERT इनफ नहीं है मैथ साइंस के लिए. आपको कुछ एक्स्ट्रा बुक्स की भी प्रैक्टिस करनी चाहिए, जैसे कि आपको यूट्यूब पे सारी चीज़ें मिल जाएंगी. NCERT के अलावा भी आपको थोड़े क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी चाहिए. साइंस के लिए तो मैं थोड़ा बहुत बोल भी सकता हूँ कि साइंस के लिए NCERT इनफ है, बट मैथ के लिए इनफ नहीं है. मैथ में आपको थोड़ी और भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी चाहिए एंड उस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने के लिए आपको कोई और बुक भी चाहिए होती है, से या फिर आप इसे यूट्यूब से भी कर सकते हो. ये क्वेश्चन है CJK एडिट्स के तरफ से एंड इन्होंने पूछा है कि ब्रदर प्लीज पिक माय क्वेश्चन, आई एम योर बिग फैन, क्लास 9 के लिए टिप्स. सो क्लास 9 के लिए टिप्स यही है कि क्लास 9 में आपको सिर्फ NCERT को फॉलो करना है. NCERT को अच्छे से फॉलो करो एंड अगर आपका 9th अच्छा जाएगा तो आपका 10th भी अच्छा जाएगा. सो नेक्स्ट क्वेश्चन है चिराग नेगी की तरफ से एंड इन्होंने पूछा है कि भाई आपको मोबाइल का डिस्ट्रैक्शन नहीं होता क्या. सो कभी कभी हो जाता है एंड मैं मैक्सिमम टाइम मैनेज कर लेता हूँ, बट कभी कभी जैसे कि 80% चांसेस में नहीं होता, 20% होता है, तो मैं उसको भी कंट्रोल कर लूँगा. इस फ्रॉम प्रसाद भाई एंड इन्होंने पूछा कि भाई मैं 10th में हूँ एंड वॉलीबॉल प्लेयर हूँ, मैं स्टडी करूँ या खेलूँ, अगर नहीं खेलूँगा तो मेरे फ्रेंड्स मुझसे बात नहीं करेंगे, डर लगता है, क्या करूँ. सो भाई खेलना भी चाहिए एंड पढ़ाई भी करनी चाहिए. सो आप दोनों को मैनेज करके चलो. अगर आप मतलब पढ़ाई को थोड़ा सा ज़्यादा टाइम दो खेलने से, मतलब खेलो, अगर आप 1 घंटा खेल रहे हो तो 2 घंटे पढ़ाई भी करो, ऐसे करो यार, दोनों को टाइम. हमारे जयेश गाबू भाई की तरफ से एंड इन्होंने पूछा है कि स्कूल टाइम क्या है. तो स्कूल टाइम मेरा है 7:30 बजे से लेकर 1:30 बजे तक है मेरा स्कूल. रियॉक्स सफेद की तरफ से एंड इन्होंने पूछा है रेगुलर स्कूल और डमी. सो मैं तो रेगुलर जाता हूँ यार, अब 11th में भी रेगुलर ही जाऊँगा बिकॉज DAV में पढ़ता हूँ, तो वहाँ पे तो रेगुलरली जाना ही पड़ेगा. सो एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है SY स्टडीज़ की तरफ से एंड इन्होंने पूछा है कि सर आपके 10K सब्सक्राइबर्स कंप्लीट पे आपके पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था. सो यार सभी लोग बहुत खुश थे एंड मेरे मम्मी पापा ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है यूट्यूब में, बिकॉज यार जब मैं क्लास 9th में ब्लॉग्स डालता था तो उसमें बिल्कुल भी व्यूज़ नहीं आते थे एंड मैं डिमोटिवेट हो गया था एंड मैंने डालना भी छोड़ दिया था यूट्यूब पे वीडियोस. फिर उसके बाद मेरे मम्मी पापा ने बोला कि वीडियो डालो, जरूर सक्सेस मिलेगी, एंड तब मैंने वीडियो डालना कंटिन्यू रखा एंड आज यार देख सकते हो मैं क्या हूँ. सो मेरे मम्मी पापा का बहुत बड़ा रोल था मेरे सक्सेस में. सो हाँ वो लोग बहुत खुश थे एंड मेरे फैमिली में बता ही देता हूँ, बहुत सारे लोगों ने पूछा मेरे फैमिली में कौन कौन है. सो मेरे फैमिली में मैं हूँ, मेरी मम्मी, मेरे पापा एंड मेरा एक छोटा भाई है एंड उसके बाद मेरे दादाजी, दादी जी हैं एंड मेरे ताऊ जी भी हैं एंड उनके लड़के भी हैं, 2 लड़के हैं एंड वो लोग नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं अभी. तो ये था मेरे फैमिली के बारे में. क्वेश्चन है AS स्टडी ब्लॉग्स की तरफ से एंड इन्होंने पूछा है कि भाई तुम कैसे होमवर्क और PW और सेल्फ स्टडी को मैनेज करते हो. सो यार सिंपल है यार, होमवर्क करने के लिए मैंने टाइम प्लान बना रखा है कि मेरे को कितने टाइम कितने चीज़ों के लिए देना है, स्कूल होमवर्क के लिए कितना टाइम देना है, PW के लिए कितना टाइम देना है एंड सेल्फ स्टडी के लिए कितना टाइम देना है. तो आप लोग भी ऐसे टाइम मैनेजमेंट कर लो एंड एक टाइम फिक्स कर लो कि आपको हर चीज़ों के लिए कितना टाइम देना है एंड उसके बाद आप लोग अच्छे से उस चीज़ को कर सकते हो. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम ऑल सीरीज के तरफ से क्वेश्चन है एंड उन्होंने पूछा है भाई मेरा क्वेश्चन है कि आप एग्जाम के टाइम रिविजन कैसे करते हो, चिंट पाक डमडम. तो भाई ये चिंट पाक डमडम वाला वायरस आप सभी को फैल ही गया है. सो एग्जाम के टाइम रिविजन करना चाहिए, बट हाँ आपको रिविजन स्टार्टिंग से ही करना चाहिए. अगर आप एग्जाम के टाइम रिविजन करोगे तो एक बहुत बड़ा बर्डन होके आपके सिर के ऊपर ये गिरेगा एंड आपको बहुत बड़ा झटका लगने वाला है. सो आप स्टार्टिंग से ही रिविजन करते रहा करो, इससे आपको अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी एंड एग्जाम के टाइम में आपको ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं. सो लास्ट क्वेश्चन कि मैं कितना कमाता हूँ. भाई 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 इसका आंसर सिंपल है कि मैं कमाता हूँ 1 महीने में यूट्यूब से 7 करोड़. तो यार वो नहीं है, 7 करोड़ बिल्कुल भी नहीं है. देखो आप सभी को पता होगा स्पॉन्सरशिप्स होते हैं एंड यूट्यूब का अलग अर्निंग होता है, तो स्पॉन्सरशिप से मैं थोड़ा बहुत कमा लेता हूँ एंड यूट्यूब से तो अभी तक मैंने कुछ भी नहीं कमाया है बिकॉज मेरा चैनल तो मोनिटाइज हो गया है आप सभी के सपोर्ट की वजह से, बट हाँ अभी तक $100 कम्प्लीट नहीं हुए हैं मेरे.
तो यार जब $100 कंप्लीट हो जाएंगे तभी मेरा फर्स्ट पेमेंट आएगा। सो अभी $100 कंप्लीट नहीं हुए हैं एंड ऑलमोस्ट 70% मेरा कंप्लीट हो गया है, 30% बचा है। तो 30% जैसे ही कंप्लीट होता है मेरा फर्स्ट अर्निंग आ जाएगा एंड इसके ऊपर मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि मैं आज के लिए इतना ही। मैंने ट्राई किया कि आप सभी के क्वेश्चन को मैं पिकअप करूं एंड वीडियो भी लेंथी हो गई है। सो थैंक यू वंस अगेन फॉर योर एक्सट्रीम सपोर्ट टुवर्ड्स दिस चैनल एंड मैंने ट्राई किया है कि मैं आप सभी क्वेश्चन को पिक करा है। अगर नहीं करा है तो सॉरी, आप इस वीडियो में कमेंट कर देना, मैं नेक्स्ट वीडियो जब भी बनाऊंगा, जो भी ब्लॉग होगा स्टडी ब्लॉग, उसमें मैं आपके क्वेश्चन का आंसर दे दूंगा। सो वीडियो कैसा लगा, क्यों कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच वॉचिंग, बाय बाय।